न जमा हो, तो इस तरह के एक अभियान आप हमारे स्टाफ के साथ मिलकर चलाना। जितना मच्छर कम पनपेगा उतनी बीमारी यहाँ से जड़ से खत्म हो जाएगी। तो आप सबको भी इसका सिरे जाता है कि कोरोना से जो आपने मिलकर लड़ाई लड़ी, आपने यहाँ सैनिटाइजर कराया, हमने मास्क दिए, सैनिटाइजर दिया, इसी तरह हम इस भयंकर बीमारी को भी हराएंगे। अब हमारे प्रेम प्रधान जी आपको इस दो शब्द कहेंगे, इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे। यही ये अभियान चलाएंगे कि किसी के छतों में, किसी के बाहर आता दो दिन में कीड़े नहीं होते, सब दोनों साफ करके रखेंगे। किसी का कूलर अगर किसी का भी होगा तो उसका फैलान होगा तो कोई रहा नहीं। धन्यवाद। मानसून के समय बारिश का पानी कहीं छत के ऊपर तो कहीं खाली पड़े बर्तनों में जमा हो जाता है, जिस वजह से इसमें डेंगू मलेरिया के लार्वा पैदा होते हैं, जो कि कई घातक बीमारी लाते हैं और कहा जाता है इलाज से बेहतर बचाव। और इसी संकल्प को लेके वसंत कुंज के निगम पार्षद मनोज महलावत अपने वार्ड के जेजे बंधु कैंप पहुंचे, साथ उनके एमसीडी के हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी पहुंचे और लोगों के बीच डेंगू मलेरिया को लेकर अवेयरनेस जागरूकता अभियान चलाया और लोगों को डेंगू मलेरिया से बचने के उपाय बताए। मॉनसून के समय डेंगू और मलेरिया के मामले बढ़ जाते हैं और इस समय बारिश का पानी जमा होने से भी डेंगू मलेरिया के नए लार्वे पैदा होते रहते हैं, जो कई घातक बीमारियां फैलाते हैं, जिसके लिए लोगों के बीच इसकी जागरूकता होनी चाहिए और उसका बचाव और जो सामान्य उपाय हैं उनके बारे में सबको मालूम भी होना चाहिए। और देखिए, आज हम बरसाती सीजन को ध्यान में रखते हुए हमने अपने मलेरिया विभाग के साथ, उनकी पूरे योद्धाओं के साथ मिलकर एक जन जागरण अभियान चलाया। हमारे स्थानीय प्रधान जी, यहाँ के कैंप के प्रेम प्रधान जी धर्मेंद्र जी, उनकी पूरी टीम निरंतर जनसेवा के इन कार्यों में हमारा सहयोग करती है, तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमारे क्षेत्र का जो इतना बड़ा क्लस्टर है वो इतने जागरूक हैं। उनको हम अभिनंदन करते हैं उनका, कि हमेशा समाज के हित के कामों में अग्रिम रहते हैं प्रधान जी और उनकी पूरी टीम। तो आज हम अपने मलेरिया विभाग के साथ आए हैं अपने इस जे बंधु कैंप में, सिर्फ ये जागरूकता फैलाने कि अगर किसी ने टीका ना लगवाया तो वो जल्द से जल्द टीका लगवाए, कोरोना को हराना है हमें। साथ ही साथ जो बरसाती मौसम को देखते हुए जो बरसाती पानी हमारे छतों पर टूटे बर्तन, टायर या कोई गमले आदि या कूलर, इस तरह की जो जगह हैं जहाँ पर डेंगू का मच्छर पनपता है, उसका लार्वा पनपता है, वो लार्वा पनपने से रुक सके तो अपने उन बर्तनों को या तो हटा दें या उल्टा कर दें या उनमें समय समय पर दवाई डालते रहें। अगर पानी जमा नहीं होगा, बरसात का पानी नहीं जमा होगा तो लार्वा नहीं पनपेगा, अगर लार्वा नहीं होगा तो मच्छर भी नहीं होंगे और मच्छर नहीं होंगे तो बीमारियाँ कम से कम फैलेंगी। तो इसी जागरूकता अभियान के तहत आज अपने विभाग के साथ यहाँ पर आना हुआ और सभी के साथ जागरूकता अभियान चलाया, मिलकर सभी ने उसको हाथों हाथ लिया और बहुत हमें आश्वासन दिया कि जी हम पूरा ध्यान रखेंगे, अपनी छतों की एक बार निगरानी करेंगे, कहीं उस पर कोई पानी तो जमा नहीं है। तो सभी मेरे इस आदरणीय कैंप के निवासियों का आभार है, अभिनंदन है। मेरे साथ खड़े हुए मेरे कोरोना योद्धा जो हमारे मलेरिया विभाग के हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ है उनकी, भगवान उनको और शक्ति दे। हमारे पास हमेशा आते रहे हैं और हमारे को आशा है कि हम लोग इसी तरह से काम करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे हम लोग अनपढ़ हैं तो थोड़ा सा पानी जम जाता है, मच्छर हो जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। तो हमें जागरूक करके गए और हम उसका पालन करेंगे, जो भी कुछ होगा हमसे जितना भी होगा हम उसके साथ देंगे।